बुद्ध धम्म में कहा है कि ना प्रसंग लोमानी ना प्रसंग कथाकथन आत्मा में अभेद है कथानी अकथानी से, यानी कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं लेना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं और जो भी घटना हमारे साथ घट रही है उसके लिए हम स्वयं कितने जिम्मेदार हैं, इसको उत्तर आता है कि उन्होंने धर्म अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बदला, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को दिशा देने के लिए, पूरे देश को दशा और दिशा देने के लिए वो धर्म प्रदान किया। मैं जीवन पढ़ता हूँ तो उसमें मैं कहीं भी नहीं पाता हूँ कि किसी के प्रति के भीतर भेज रहा हो, किसी के इन्होंने असमानतावादी बात कही हो। धर्म छोड़ा तो सबके लिए छोड़ा है, केवल अपने नहीं छोड़ा, पूरे भारत को वहां पे इन्वाइट किया है कि आप छोड़िए, ये व्यवस्था जीने लायक नहीं है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैं मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उनको मैं प्रबुद्ध कह सकता हूं क्या? कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैं उन्हें प्रबुद्ध कह सकता हूं? जरा हाथ भर के बताएं जी। प्रबुद्ध शब्द जो है, अगर मैं उसका सटीक उच्चारण करूं, उसका मतलब बताने का प्रयास करूं, तो मेरे हिसाब से प्र जमा बुद्ध, बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्धि हम सभी के पास है। लेकिन प्रा क्या है? प्रा का मतलब है प्रगतिशील, प्रा का मतलब है प्रज्ञाशील। क्या जो हम बुद्धि लिए हुए हैं क्या वह प्रगतिशील बुद्धि है? क्या वह बुद्धि प्रज्ञा से युक्त है? अगर ऐसा है तो वास्तव में हम प्रबुद्ध हैं। केवल मात्र मैं पढ़ लिख गया हूं, मैं नौकरी पा ली है, इससे मैं प्रबुद्ध हो जाऊं, मैं नहीं समझता। तो क्या हम प्रबुद्ध हैं या नहीं है? बाबा साहेब के संदर्भ में, क्योंकि हम उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि किस तरह से हम समझे कि हम प्रबुद्ध हैं या नहीं है। प्रगतिशील या प्रज्ञाशील व्यक्ति उसको कहेंगे जो व्यक्ति जिसको समझाया जाए और उस प्रकार कि जो मुझे समझाया गया है वह मेरे कल्याण के लिए है, और जब उसकी समझ में आ जाए कि मेरे कल्याण के लिए है तो उस पर तुरंत आचरण करना शुरू कर दे, तो उसको कहेंगे प्रज्ञाशील या प्रगतिशील व्यक्ति। मुझे आदेश हुआ है कि मैं सिर्फ परम पूज्य बाबा साहेब पर जुड़ा हूं की बात करूं और निसंदेह में होने की बात करूंगा। परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बचपन में जब स्कूल गए तो स्कूल में उन्हें भीतर नहीं बैठने दिया, क्लास के बाहर बैठकर उनको शिक्षा लेनी पड़ी। चिलचिलाती गर्मी में भीम को जब प्यास लगती थी और जिस दिन चपरासी नहीं आया करता था उस दिन भीम को पानी नहीं ला करता था, उसको प्यासे ही घर वापस लौटना पड़ता था। भीम जब नाई के पास बाल कटाने के लिए गया, वो नाई जो कि भैंस के बाल काट रहा था उसने भीम के बाल काटने से मना कर दिया और भीम को वहां से भगा दिया। लेकिन भीम ने सवाल किया कि आप भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे बाल क्यों नहीं? लेकिन वो जो नाई था रूढ़ी बात कर, और रूढ़ीवादी व्यक्ति अपनी बुद्धि को बंद कर विचार करना बंद कर देता है और वह अच्छा और बुरा समझ ही नहीं पाता। इसी प्रकार से जब परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विदेशों से पढ़कर बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी कर बहुत सारा सम्मान अपने लिए इस दुनिया के विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए जाने के बाद वापस भारत में लौटे, उसके बाद जब वडोदरा रियासत का कर्ज चुकाने की बारी आई और उन्हें वहां पर एक नौकरी पर नियुक्त किया गया और वहां पर जब काम करने के लिए गए तो वहां पर उन्हें नौकरी नहीं करने दी गई, उनके ऊपर जो कर्ज था वो चुकाने नहीं दिया गया। जब मैं ये विचार करता हूं कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ में ये घटनाएं आखिर क्यों घटी, उन्हें बचपन में स्कूल में पानी पीने से कौन रो रहा था, नाई को बाल काटने से कौन रो रहा था, नौकरी करने से परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कौन रो रहा था? तो मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूं और परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति नाम का ग्रंथ चलाया और उसके बाद जब 13 अक्टूबर 1935 को येवला की भूमि से
ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो मेरी बात को संज्ञान लगती है कि जो भीम पर अत्याचार हुए, जो नाई अत्याचार कर रहा था, जो स्कूल के जो कायदे कानून थे, जो नौकरी नहीं करने दी जा रही थी, वह कोई जो लोग कर रहे थे वो उनकी मर्जी नहीं थी। वो जो अत्याचार हो रहे थे उनको करने के लिए उनको कोई आदेश दे रहा था, और वो आदेश कहां था? वो आदेश था हिंदू धर्म शास्त्रों में। और जब परम पूज्य बाबा जो हिंदू अम्बेडकर ने मनुस्मृति को पढ़ा, उन धर्मशास्त्रों को पढ़ा, तो उनकी बात समझ में आ गई। जब तक उनकी बात समझ में नहीं आएगी कि मेरे साथ ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब पानी नहीं पीने दिया गया स्कूल में तो घर पर जाकर मां से शिकायत करते हैं कि मां मुझे स्कूल में पानी नहीं पीने देते हैं, मां मुझे धर्म स्कूल के भीतर बैठकर पढ़ने नहीं देते हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा विवाद क्यों होता है? भीम को तब ये व्यवहार समझ में नहीं आता था, लेकिन जब बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, उन धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा, तो उनकी बात एक एक करके सब स्पष्ट होने लगी। और जब स्पष्ट होने लगी तो उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन कर दिया, और 13 अक्टूबर 1935 को बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर डाली कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। अब जितने लोग प्रबुद्ध थे, प्रतिशील विचारों वाले थे, प्रतिशील बुद्धि वाले थे, प्रज्ञाशील थे, उन्होंने परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उस घोषणा के साथ ही हिंदू धर्म को छोड़ दिया, क्योंकि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी भी कोई भी कार्य यूं ही नहीं किया करते थे, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक हुआ करता था। और उन्होंने लॉजिक समझाया, उन्होंने जब मनुस्मृति दहन किया तो उसके श्लोक में क्या लिखा है, वो कितना इस समाज के लिए घातक है, उस समाज को बताया हिंदू धर्म में क्या प्रॉब्लम है, उस चीज को उन्होंने बताया, और बताकर उस धर्म को छोड़ने का कार्य किया। लेकिन क्या हमारे समाज ने, क्या इस देश के लोगों ने जो व्यवस्था परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1935 में बनाने का प्रयास किया उसको अपनाने की कोशिश की? मैं ये बात नहीं कह रहा कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने केवल दलितों के लिए काम किया, किसी एक पार्टी को समाज के लिए काम किया, धर्म छोड़ा तो केवल एक विशेष जाति से भिन्न होकर घृणा करके उन्होंने धर्म छोड़ा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन पढ़ता हूं तो उसमें मैं कहीं भी नहीं पाता हूं कि किसी के प्रति उनके भीतर द्वेष रहा हो, किसी के लिए उन्होंने असमानतावादी बात कही हो। धर्म छोड़ा तो सबके लिए छोड़ा है, केवल अपने लिए छोड़ा, पूरे भारत को वहां पर इन्वाइट किया है कि आप छोड़िए, यह व्यवस्था जीने लायक नहीं है। जहां पर नाई धर्म ग्रंथों के आधार पर बाल नहीं काटता हो, जहां पर पानी नहीं पीने दिया जाता हो, जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हो लेकिन मनुष्य को पानी पीने का अधिकार ना हो, और ये सब धर्म ग्रंथों के आधार पर हो रहा हो, और धर्म ग्रंथों में अगर आपने पढ़ा और वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो उसमें समूह ऋषि का एक कथन है। समूह ऋषि बहुत तपस्वी, बड़े तपस्वी थे, और वो तपस्या करा करते थे, शिक्षा दिया करते थे और शिक्षा दिया करते थे, और श्री राम जी वहां पर आते हैं और समूह ऋषि का जो है बंद कर देते हैं, केवल इसी कारण से कि शूद्र को धर्म शास्त्र शिक्षा लेने और शिक्षा देने की आज्ञा नहीं देते हैं। तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब ये धर्म ग्रंथ पढ़े तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने का कार्य किया, लेकिन हमारा समाज शायद उस समय प्रबुद्ध नहीं था, प्रतिष्ठा बाढ़ नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को जब परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो बहुत सोच सोच के अपनाया, अगर आज मैं कोई धर्म परिवर्तन करना हो तो मुझसे से एक दिन या दो दिन लगेगा, आज मैंने डिसीजन लिया, कल ही मंदिर में दिमाग में आया हिंदू मुसलमान बन गया। लेकिन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 21 साल लगे, और वो भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो अपनी मृत्यु से केवल 2 महीने पहले कर रहे हैं। धर्म का कार्य तो जीवन में होता है, और धर्म का जो कार्य जीवन में है वो तो सारे सब पर कर चुके हैं, संविधान लिखा जा चुका है, हिंदू कोड भी लिख चुके थे, और सारे महत्वपूर्ण कार्य कर चुके थे, फिर धर्म उन्होंने क्यों बदला? तो मेरे ध्यान में इस सवाल का सिर्फ एक ही उत्तर आता है कि उन्होंने धर्म अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बदला, बल्कि
उन्होंने पूरे समाज को दिशा देने के लिए, पूरे देश को दशा और दिशा देने के लिए वो धर्म प्रदान किया था, जिस चीज को मैं समझना चाहिए। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तो शायद ऐसा लगना लगे कि भाई मैं कह रहा हूं कि आप हिंदू धर्म छोड़ दीजिए और बहुत बन जाइए, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा है और मैं बुद्ध अनुयायी हूं, तो बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि ना प्रेषण विलोमानी ना प्रेषण कथा कथन आत्मा में अभेद है कथानी अकथानी से, यानी कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं जाना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और जो भी घटना हमारे साथ घट रही है उसके लिए हम स्वयं कितने जिम्मेदार हैं, इस पर सोचना चाहिए सुनना चाहिए। तो मेरे कहने से आप धर्म प्रदान करें या बाबा साहेब हमारे मसीहा थे इसलिए हम धर्म कर लें, उससे हमारा भला होने वाला नहीं। जब तक कि हम प्रबुद्ध होकर उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक मैं ये समझता हूं कि इन बातों का कोई महत्व नहीं रहता। तो मुझे पीछे से बहुत इजाज़त, बहुत देर से कॉल आ रही है कि छोटा करने के लिए काफी टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमोस्तुते।